नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जो दो प्रमुख गठबंधन हैं उनके अंदर की खींचतान भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। अब एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि महाविकास अघाड़ी, जिसके अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे, NCP शरद पवार और कांग्रेस है, उस गठबंधन का चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर गठबंधन का हर धड़ा अलग अलग बातें कह रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस चुनाव में किसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जाए, उसको लेकर गहरे मतभेद हैं। एक तरफ शिवसेना है जो चाहती है कि उद्धव ठाकरे का नाम घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री थे भी और उन्होंने अच्छा काम भी किया था और उनका आकर्षण है पूरे प्रदेश में, उनके नाम पर वोट पड़ते भी हैं और शिवसेना का अपना आधार भी है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो वो एक दावेदारी शिवसेना की तरफ से आ रही है, जबकि जो दूसरे दो घटक हैं NCP और कांग्रेस, वो इस मामले में रिजर्व है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी का चेहरा प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। मसलन शरद पवार ने पहले ही कह दिया था कि इस चुनाव में किसी भी पार्टी का कोई दावेदार मुख्यमंत्री पद का नहीं होगा या मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा महाविकास अघाड़ी की तरफ से। और दरअसल जब उन्होंने ये कहा था तभी से ये बहस भी शुरू हो गई थी कि पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के साथ और संजय राउत के साथ दिल्ली में 3 दिनों तक रहे। वो कांग्रेस के आला कमान जो भी हैं, जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, उनसे उन्होंने मिलकर बातचीत की और शायद ये एजेंडे का सबसे बड़ा हिस्सा था उनके कि उद्धव ठाकरे को ही इस चुनाव में प्रस्तुत किया जाए मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर में। लेकिन इधर ये बात हो रही थी और उधर महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री पद के रूप में पेश के दावेदार के रूप में पेश किया जाए, इसलिए इस बार भी वो इस तरह की कोई पेशकश नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने बल्कि जो महायुति है, NDA है, उसका भी उदाहरण दिया कि वो गठबंधन भी किसी को पेश करने नहीं जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी तरफ से भले ही कोशिश कर रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन गठबंधन उनके नाम को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो उनका कहना यह है कि दूसरा गठबंधन भी नहीं बढ़ा रहा है और इस गठबंधन को भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। अब जो ये दो दावेदार हैं, दो घटक हैं प्रमुख, वो इस चीज़ को क्यों टाल रहे हैं, ये भी समझ में आने वाली बात है। एक तो ये कहा जा रहा है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले के लिए एक गुंजाइश बना के रखना चाहते हैं कि अगर NCP की अच्छी सीटें आ जाती हैं, क्योंकि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनकी दावेदारी बन सकती है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा कि कांग्रेस का तो सबसे अच्छा प्रदर्शन था और कांग्रेस ऐसा लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें भी जीत कर ला सकती है, तो क्यों ना वो अपना दावा छोड़ दे, दावा बना कर रखे, ताकि अगर वो स्थिति बनती है तो कोई कमिटमेंट नहीं होगा गठबंधन में कि इन्हीं को बनाना है, भले ही सीटें किसी भी दल की ज़्यादा आएँ। तो ये तीन तरफ के, तीन पार्टियों के तीन मत सामने आ रहे हैं। इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है, एक और तरह से इसको विश्लेषण इसका किया जा रहा है, और वो ये है कि अगर तीनों पार्टियाँ कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करती हैं तो तीनों पार्टियां जोर लगाएंगी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल हों और उनके कार्यकर्ता भी उसी पूरे जोशो खरोश से भाग लेंगे, तो उससे गठबंधन के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की संभावना बनेगी। मतलब कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए
कि आपका भी मुख्यमंत्री हो सकता है, आपका भी मुख्यमंत्री हो सकता है, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो सकता है, बशर्ते उसके पास ज़्यादा सीटें हों। तो इस अंदाज में भी इसको देखा जा रहा है कि तीनों जो गठबंधन के तीनों सहयोगी हैं एक तरह से इसको इस खेल को भी खेलना चाहते हैं। अब एक और इसका पहलू है, भारत में चुनाव में मतदाता आम तौर पर पार्टी को तो वोट देता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है या सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इस पर भी वोट करता है। तो अगर ये एडवांटेज जिस भी दल के पास होगा, महायुति के पास तो नहीं है, एनडीए के पास तो नहीं है, एकनाथ शिंदे ज़रूर मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका चेहरा बिकाऊ चेहरा नहीं है, उसका आकर्षण नहीं है, उनकी छवि एक गद्दार नेता की तरह है जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा था, और उनके कोई बहुत मुंबई के एक हिस्से को छोड़कर कोई बहुत पॉपुलैरिटी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस एक और चेहरे हैं जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा मानी जाती, लेकिन वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को लेकर एक हवा बनी हुई है पूरे महाराष्ट्र में, एक तो संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के कारण भी, और एक ब्राह्मण प्रभुत्व को लेकर वहाँ हमेशा से एक रेजिस्टेंस रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस भी इस होड़ से बाहर निकल गए देखते हैं। अजित पवार की पार्टी ने चूंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था इसलिए उनका पत्ता वहाँ भी साफ हो गया है। तो एनडीए इस चक्कर में किसी को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करना नहीं चाहती है, ये उसकी मजबूरी भी है। वो अगर शिंदे को आगे करेगी तो वोट नहीं मिलेंगे, देवेंद्र फडणवीस को आगे करेगी तो वोट नहीं मिलेंगे, अजित पवार में भी वो दम रहा नहीं, तो उनके पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है। और नितिन गडकरी जैसा एक नेता है लेकिन आप जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ 36 के आंकड़े हैं, तो उनको आगे करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे गठबंधन में ज़रूर उद्धव ठाकरे एक ऐसा चेहरा है जिनका आकर्षण भी है, जिनके प्रति सहानुभूति भी है मतदाताओं की, और जिनकी पार्टी का आधार भी ठीक ठाक है, और वो जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई थी उसको लेकर भी उनकी छवि अच्छी है। तो एक वो एडवांटेज वहाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये इस गठबंधन को तय करना है कि ये एडवांटेज ज़्यादा है या तीनों पार्टियाँ पूरा दम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएं और फिर तीनों बैठकर किसी के नाम की घोषणा कर दें। ये भी हो सकता है कि अंदर खाने उद्धव ठाकरे को ये भरोसा दे दिया जाए कि मुख्यमंत्री आप ही होंगे लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं होगी, अगर घोषणा हो गई तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता सुस्त पड़ जाएंगे, उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी और वो उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न किया जाए, चुनाव लड़ा जाए और चुनाव के बाद तय किया जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये स्थिति है, लेकिन अभी भी इसमें एक जद्दोजहद पसोपेश चल रही है, खींचतान चल रही है, और अंत तक जब चुनाव घोषित होते हैं तब तक क्या स्थिति बनती है कहना मुश्किल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।